जब किसी चीज में दिक्कत आ रही हो, लगातार दिक्कत आ रही हो, अगर आप वो देख रहे हैं फिर भी कहीं ना कहीं उस चीज पर काम नहीं हुआ या फिर नजरअंदाज हो जाता है किसी कारण से, तो वो बहुत ज्यादा आगे आगे आकर आपको नुकसान देने वाला होता है। और यही प्रॉपर एग्जाम्पल है आज की अगर हम बात करें ओमान के रिजल्ट के साथ, जो एन प्रैक्टिस गेम में एक ही प्रॉब्लम टीम के साथ दिखी थी, जो हमने अपने एनालिसिस में भी लगातार उठाया। उन दोनों प्रैक्टिस गेम्स के एनालिसिस में एक प्रॉब्लम ओमान के साथ जो यहां पर निकल कर आ रही थी उसमें, वो थी बॉलिंग डिपार्टमेंट। दोनों बार एक इंटरनेशनल टीम के खिलाफ एक क्लब की टीम ने 50-50 ओवर तो खेले खेले साथ में 290 ऐसा एवं स्कोर भी खड़ा किया। वहीं पर कंसर्न नजर आ रहा था, नई बॉल से विकेट्स नहीं मिल रहे थे और शायद उसी फॉर्म को ओमान ने यहाँ पर भी बरकरार रखा है। आगे आपको समझाएंगे कि आखिर कौन से दो वो पॉइंट हैं जिनकी वजह से यूएसए को जीत मिली और दो पॉइंट जिनकी वजह से ओमान को हार मिली। सबसे पहले यहाँ बात करें अगर यूएसए ने पहले बैटिंग किया और बिल्कुल एन ये मैच हम कह सकते हैं रेप्लिका ऑफ जो अभी राउंड खत्म हुआ है स्कॉटलैंड यूएसए और यूएई, बिल्कुल वैसा ही हुआ। यूएसए ने पहले बैटिंग की, 300 रनों का स्कोर किया और 100 रन से की ज्यादा से ओमान को यहाँ मात मिली। आप पहले बैटिंग यूनिट को यूएसए के किस तरह से देखते हैं जबकि पहला विकेट उनका सिर्फ 27 रन पर गिर गया। बिल्कुल, और सबसे पहले तो तारीफ करनी होगी शान मकसूद के उस फैसले की जिन्होंने इतना ब्लंडर फैसला किया है कि समझ में नहीं आता कि वही जिशान मकसूद है जिनकी टीम नंबर वन पे है इस वक्त पॉइंट्स टेबल में। इस ऐसे पिच को रीड ना कर पाना और सोचना कि हमारी बॉलिंग, वो शायद ये सोच रहे हैं कि बहुत बढ़िया हम यहाँ पिच पर हम अच्छा कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। पिच के मुताबिक आपको खेलना होगा, पिच आपके मुताबिक नहीं खेलेगी, ये सोच के चलिए कि इस चीज़ को जितना जल्दी हो सके अपना लेना बेहतर है हर टीम को। कि टॉस जीता और इतना ब्लंडर फैसला लिया कि बॉलिंग करने के लिए वो चले गए जबकि वहाँ पर बैटिंग करनी चाहिए थी, तो आराम से 260-270 80 बनते यूएसए शायद हार सकता था, लेकिन नहीं। ये पहला फैसला सबसे पहले तो यही गलत हो गया, वही मैच बहुत भारी पड़ गया था वो भी फर्स्ट डे के पिच। बिल्कुल बिल्कुल, और हमने देखा था पिछले राउंड में जैसे सेम एग्जैक्टली पहले मैच की तरह ही ये मैच हुआ है। 310 पहले मैच में मारे थे, यहाँ 328 रन मारे हैं और एक्स्ट्रा, और इतनी बेकार बॉलिंग का जो शो हुआ है पेसर की तरफ से, सिर्फ पेसरों की तरफ से बहुत ही ज़्यादा हॉरिबल बॉलिंग हुई है। कहना होगा 15 ओवर में 88 रन थे, उसके बाद जब पेसर पहला पेसर जब आए तब की मैं बात कर रहा हूँ, जब पेसर करा रहे थे सुपर फ्लॉप हो गए, 7वें ओवर में खुद जिशान मकसूद को आना पड़ गया। इतना सुपर फ्लॉप शो हुआ पेसर्स का, बिलाल खान हो, कलीमुल्ला की तो खैर छोड़ ही दीजिए, बहुत ही ज़्यादा एक एक हाथ का वो रूम दे रहे थे, फयाज भट हो वो भी रूम दिए जा रहे हैं। मालूम नहीं है कि किस पिच पर किस तरीके से बॉलिंग करानी है। पिछले राउंड में हमने कहा भी था कि इस पिच पर ऐसे बॉलिंग नहीं होगी, यहाँ स्विंग नहीं है, कोई हेल्प नहीं है, हमने यहाँ कहा था एग्जैक्टली यहाँ कोई हेल्प नहीं मिलने वाली। आप एक एग्जांपल अभी और दूंगा मैं आगे यूएसए के बॉलर का, तब और यकीन आपको आएगा। पिछले राउंड में भी हो गया था लगभग, लेकिन इस अभी एक एग्जांपल हमारे पास और है कि आखिर उन्होंने कैसे बॉलिंग कराई और ओमान के बॉलर्स ने, पेस बॉलर्स ने बहुत ही खराब बॉलिंग कराई है बहुत ज़्यादा। बिल्कुल, यहाँ पर यूएसए से स्कॉटलैंड वाले जो पहला मैच हुआ था अभी जो ग्राउंड गया है वहाँ पर जो बॉलिंग स्कॉटलैंड की रही थी उस एनालिसिस में हमने कहा था कि इस तरह की पिचेस में आप वो बॉलिंग नहीं करा सकते जो आप अपने बाकी कराते हैं। वही गलती स्कॉटलैंड ने की थी, एग्जैक्टली सेम गलती यहाँ पर ओमान ने की थी। जरूरी नहीं है कि इस पिच पर कोई पहले बैटिंग कर रहा है तो वो 300 के ऊपर ही जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपकी बॉलिंग बेहतरीन है, अगर आपने पिच बहुत अच्छे से रीड किया है, वो तो एंड टॉस भी समझ में आ गया कि जिशान मकसूद पिच को बिल्कुल रीड नहीं कर पाए और उन्होंने शुरुआती दिनों में इस पिच के टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला ले लिया और वहीं पर कहीं ना कहीं बहुत बड़ा ब्लंडर वो कर चुके थे। चलिए अब यहाँ पर एंड बात आ जाती है स्टार परफॉर्मर ऑफ टू स्टार परफॉर्मर्स ऑफ द मैच, उनकी बात किए बिना हो नहीं सकता। क्या बेहतरीन पार्टनरशिप रही है, 209 रन की पार्टनरशिप रही है उनकी फर्स्ट विकेट के लिए। सेकेंड विकेट के लिए अगर हम बात करें, ये जो पार्टनरशिप रही है सुशांत मोदानी और मृणाल पटेल के बीच में कप्तान, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं, किस तरह से इन्होंने इतनी बड़ी पार्टनरशिप कर दिया है जो यूएसए की ओडीआई में सबसे हाईएस्ट पार्टनरशिप। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, और इसमें एक चीज का सबसे बड़ा फैक्टर है और वो है एक तो सबसे पहले ऑब्वियसली है ओमान की बॉलिंग, जिस तरीके से ये थी नहीं एज रियल। ओमान ने पहले ही टॉस जीत के जो बॉलिंग ली थी वो बिल्कुल गलत फैसला था और उनको और ज़्यादा सही करने लगे पेसर्स। पेसर्स को मैं जिम्मेदारी दूंगा, स्पिनर पे अभी आएंगे हम जब ओमान की बॉलिंग के बारे में बात करेंगे, पर बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन बैटिंग किया और मेन है इनका रीज़न स्ट्राइक रेट।
आप मुनान पटेल का स्ट्राइक रेट उठा के देखिए, 128 इनका स्ट्राइक रेट है, 128 का, और 80 का स्ट्राइक रेट है सुशांत मुदानी का, और ज़बरदस्त स्ट्राइक रेट से खेले हैं, चौके मारे हैं बहुत ज़्यादा, और रन लिए हैं, सिंगल लिए हैं, डॉट बॉल्स नहीं गई हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट रहा है, यही कारण है ये पार्टनरशिप इतनी लंबी गई, और बॉलिंग उस लेवल की नहीं हुई तो इन्हें और फ़ायदा मिला, प्लान इनका था ही बहुत अच्छा स्ट्राइक रेट अप करके खेलने का, ऊपर से ऐसी बॉलिंग मिल जाए तो क्या बात है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं बहुत दाद देनी होगी, और इस पार्टनरशिप से रिलेटेड कई सारे रिकॉर्ड्स तोड़े हैं इन दोनों ने, एसोसिएट्स के लिहाज से, एज अ कैप्टन के लिहाज से, ओवरऑल यूएसए के लिहाज से, वो सारे रिकॉर्ड्स आपको कुछ ही देर में कम्युनिटी में मिल जाएंगे, आप ज़रूर उन्हें पढ़िएगा कि आखिर कौन कौन से रिकॉर्ड्स इस जोड़ी ने एक साथ तोड़े हैं या फिर अलग अलग भी तोड़े हैं। एज अ कैप्टन भी एसोसिएट की तरफ से बहुत सारे रिकॉर्ड्स सुशांत मुदानी ने तोड़ दिए हैं, यूएसए के लिए बहुत सारे रिकॉर्ड्स बनाए हैं, वो सब आपको कुछ ही देर में कम्युनिटी में मिल जाएंगे। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, डेली क्रिकेट आपको जिस तरह से प्रोवाइड कराता है ये सारे अपडेट्स और रिकॉर्ड शायद ही आपको कहीं मिले। चलिए, एंड अब यहाँ आगे बढ़ते हैं, 328 रन के की यहाँ पर चेस की बात आया, 328 रन यूएसए ने बोर्ड पर टांग दिए हैं। इसको चेस करने के लिए ये ओमान के पास अच्छे खासे बैट्समैन हैं, ऐसे नहीं उनके पास बैटर्स नहीं हैं। जतिंदर सिंह की मैं बात करूं, जो प्रैक्टिस गेम्स में बुरी तरह से फ्लॉप हुए थे, यहाँ पर उनके पास मौका था, जतिंदर सिंह, जिशान मकसूद, सोहेब खान, अयान खान, खवर अली, ये सारे बैट्समैन, कश्यप प्रजापति जिन्होंने प्रैक्टिस गेम में एक 90 किया था, यहाँ पर क्या लग रहा है आपको, क्या प्रॉब्लम हुई है बैटिंग में कि इतनी बड़ी हार जो स्कॉटलैंड को मिली थी वही एग्जैक्टली सेम ओमान को भी मिली है, दोनों को इस तरह से सेम क्यों मिली, क्या अप्रोच आपको नजर आ रहा है? बिल्कुल, देखिए, चलिए सेकंड इनिंग थोड़ा टफ हो जा रहा है, हम मानते हैं चलिए टफ हो जाएगा, ब्लंडर फैसला था, लेकिन 100 रन से हारना ये कोई दोस्ती हारना थोड़ा ना चल रहा है, इसका मतलब है कि दोनों की बैटिंग बहुत पुअर हुई। बिल्कुल सही कहा आपने, बैटिंग तो पुअर है ही, बहुत ज़्यादा पुअर शो हुआ है बैटिंग का, स्कॉटलैंड का वहाँ हुआ था, ओमान का यहाँ हुआ है, तो बिल्कुल जरूर है, ऐसा नहीं है कि 5 रन से हारे समझ में आता है, 100 रन से। बिल्कुल सही कहा आपने, और वो क्यों होता है, क्योंकि जब आपको तेज रन बनाने होते हैं तो उसमें जब सामने वाली टीम कि बॉलिंग भी बेहतर हो तब आप इतने बड़े मार्जिन से हारते हैं। जब पहला कारण हो होगा यही कि जब बड़ा टारगेट चेस कर रहे हैं तो हड़बड़ा जाएंगे, और जब सामने वाली टीम जब इतने बड़े अंतर से, और दूसरा कारण जो होता है इतने बड़े अंतर से हारने का वो यही है कि सामने वाली टीम की बॉलिंग भी बेहतर है, जो आप 100 रन के अंतर से हार गए, वरना आप हारते शायद 5 या 10 रन के अंतर। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं बॉलिंग में ही बहुत बड़ा फर्क रहा है, यूएसए ने सिर्फ बॉलिंग कराई है, और ऊपर से जो वो टॉस जीतकर खुद लेते वो एग्जैक्टली जिशान मकसूद ने उन्हें परोस दिया। मैं अभी भी कहूँगा कि 30% जो मैच है उन्होंने जिशान मकसूद ने खुद अपने हाथों से यूएसए को यहाँ पर परोसा है, जो कि बहुत ही बड़ा एक ब्लंडर जरूर हुआ है शुरुआती दिनों में, खास करके 2-3 मैचेस में जब पिच होती है डेफिनेटली आपको बैटिंग के लिए जाना चाहिए। हमने उस राउंड में भी देखा, शुरू में खूब स्कोर्स हो रहे थे, उसके बाद धड़ाधड़ स्कोर्स जो है थोड़े लेस होते गए, जब उसके बाद वाला जो फेस है वहां पर भी रन बन सकते हैं, लेकिन वहां पर आपको जो मोड है वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव अपनाना होगा, तब आप वहां रन निकाल सकते हैं। लास्ट मैच में यूएई ने वो करके भी दिखाया यूएसए के खिलाफ। अब यहाँ पर बात हो जाती है एंड ओमान की बैटिंग को आप किस तरह से देख रहे हैं, मैं सिर्फ 4 प्लेयरों का परफॉर्मेंस से आपसे पूछूंगा, कश्यप प्रजापति, जिशान मकसूद, अयान खान और शोएब। बिल्कुल, देखिए बहुत अच्छा परफॉर्मेंस तो नहीं हुआ है, बिल्कुल अप टू द मार्क नहीं हुआ है कहना होगा, पार्टनरशिप थोड़ी बहुत चल रही थी, स्कोर कर रहे थे, फिर आउट हुए हैं, और मैं भी बॉलिंग पे आऊँगा दोनों टीमों के बाद थोड़ा सा टाइम दूंगा। एक तरीके से बॉल डाली गई है यूएसए की तरफ से जो ओमान की तरफ से बिल्कुल नहीं दिखी है, पर ओमान की बैटिंग बहुत ही ख़राब हुई है। इस तरह की बैटिंग आपको और बेटर दिखाना चाहिए था, अब हारे हैं तो और ज़्यादा क्वालिटी अप होनी चाहिए थी। जतिंदर सिंह का फ्लॉप शो अभी भी जारी है, पता नहीं कब उनका वो शो उठेगा, टीम पर नुकसान पहुंच रहा है, टीम पर अब ये भारी पड़ रहा है, कश्यप प्रजापति हो, और हाँ अयान और शोएब ने दिखाया ज़रूर है, डिटर्मिनेशन थोड़ा अच्छा दिखाया है, ऐसी बात नहीं है, पर किसी और का तो साथ किसी का भी नहीं मिला। एक पार्टनरशिप हुई थी इनके बीच 100 रन के ऊपर की, पर और कोई भी हाथ नहीं दिखा सकता। बिल्कुल, खैर यहाँ पर अगर हम बात करें, अब सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है कि बॉलिंग में ओमान ने, यूएसए ने ऐसा क्या अलग किया ओमान के मुकाबले कि यूएसए इतना ज़्यादा बेहतर कर पाया, आइए जानते हैं, वो कंपैरिजन में समझा। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले मैं ओमान की बात करता हूँ, ओमान के जो पेसर्स हैं उनका विकेट, बिलाल खान ने जब पहला विकेट लिया तो वो शॉट हवा में मारा था स्टीवन टेलर ने, लेकिन साथ ही साथ 3 विकेट खबर अनिल ने लिए, जिशान मकसूद ने विकेट लिए, और बिलाल खान ने एक और विकेट लिया, वो बिलाल खान का बोल्ड था स्टंप टू स्टंप, खबर अली 3 विकेट कॉट एंड बोल्ड स्टंप टू स्टंप, जब बैट्समैन अलग तरीके से खेलने जा रहे थे, अलग जगह खेलने जा रहे थे और सीधा हाथों में कैच दिया, जिशान मकसूद LBW और बोल्ड मारा है जिशान मकसूद ने, सब स्टंप टू स्टंप है। वहीं यूएसए की बात करें,
और स्पिनर देख लीजिए ओमान के, बहुत इकोनॉमिकल गए हैं और बेहतरीन बॉलिंग कराई है उन्होंने। वहीं पर यूएसए की बात करें, अली खान 5 में से 4 बोल्ड है, बिल्कुल सही। स्टीवन टेलर, रस्टी थेरॉन और आप बात करें यासिर मोहम्मद ने LBW और बोल्ड मारे, तो उन्होंने कैसी बॉलिंग कराई है उनके बॉलर्स की अगर आप देखेंगे उठाकर। वहीं पेसर्स को देखेंगे आप यहाँ पर ओमान के, तो कितनी ज़्यादा डिफरेंस है बॉलिंग में आपको साफ दिख जाए। बिल्कुल, और यही हमने लगातार काफ़ी बार ये चीज़ उठाई है। जो अभी यूएसए शॉर्टन वाला राउंड हुआ वहाँ पर भी, और जो अभी प्रैक्टिस गेम्स हुए थे वहाँ पर भी, आपने सुना होगा कि यहाँ पर एक ही स्ट्रैटेजी सबसे ज़्यादा काम आएगी इस तरह की पिचेस में। जो ने बताया था कि आपको स्टंप टू स्टंप रखना है और बिल्कुल स्ट्रेट लेंथ रखनी है। अगर आप स्टंप टू स्टंप रखते हैं तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। जिस तरह से रूम दिया है बिलाल खान, हलीमुल्ला, फयाज भट्ट ने, उसके बाद ये हाल होना, ये पनिशमेंट मिलना, बिल्कुल तो इसमें कोई हैरानी होगी नहीं। ये चीज हमने मैच 1 में ही कहीं ना कहीं पढ़ ली थी, जब यूएसए वर्सेस स्कॉटलैंड, जब स्कॉटलैंड ने बॉलिंग कराई थी यूएसए के खिलाफ, वही से समझ में आ रहा था कि यहाँ पर एक ही चीज काम आएगी, वो एकदम स्टंप टू स्टंप बॉल रखना, और वही यहाँ पर करना होगा। प्रैक्टिस गेम में भी, जो नेपाल के प्रैक्टिस गेम हुए वहां पर भी हमने देखा कि जब संदीप रामचंद्र ने स्टंप टू स्टंप बॉल रखी थी, वो 5 में से 4 विकेट जो है स्टंप टू स्टंप की वजह से मिले, और ऐसे ही कहीं ना कहीं हाफ निशान मकसूद का था प्रैक्टिस गेम में। ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं वीडियोस के जरिए, ताकि आप समझ सके कि आखिर इन किस तरह की पिचेस में किस तरह की बॉलिंग ज्यादा कारगर होगी। आप कितनी भी स्विंग कराएं या खूब ओवरटर्न स्पिन कराने की कोशिश करें या दूसरा तीसरा चौथा कुछ भी डालने की शुरू कोशिश करें, यहाँ पर उस सबके लिए आप रन के लिए जाएंगे, यहाँ पर आपको अलग तरीके की बॉलिंग रखने की जरूरत होगी। फिलहाल इस एनालिसिस में इतना है, लेकिन बहुत बड़ी जीत यहाँ मिली है यूएसए को। शुरुआत तो बहुत अच्छी हुई है, अब देखना है कि एंडिंग यूएसए से किस तरह से कर पाता है। आज एक और बहुत बड़ा मैच है, दो एशियन एसोसिएट टीम टकराने वाली है, ओमान वर्सेस नेपाल। बहुत ही जबरदस्त मैच होगा, मैच प्रीव्यू इसका लेकर बहुत जल्दी हाजिर होंगे कि किस तरह से ओमान अब यहाँ से वापसी करे और नेपाल अब किस तरह से ओमान के ऊपर प्रेशर डाले कि वो ऑलरेडी एक मैच यहाँ पर हार चुके हैं। सारी अपडेट्स आएंगे, मैच प्रीव्यू में जरूर देखिएगा, और रिकॉर्ड इस मैच से रिलेटेड क्या कुछ आए हैं अभी कुछ देर में कम्युनिटी में आप तक पहुँच जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, प्लीज एफर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर करिए। आपको हमारी आंखों से पता चल रहा होगा कि काफ़ी देर तक मैच देख के यहाँ पर आपके सामने लेके आए, तो एफर्ट के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक।